आप गाड़ी जो है बंद कर दोगे, आपको स्पेशल आदत बनानी पड़ेगी। कि माइलेज अब चेक कर लेते हैं, हमारी गाड़ी 199.5 किलोमीटर चली हुई है और कोई भी फैमिली का मेंबर आपका पीछे बैठेगा वो इंजॉय करेगा। क्यों करेगा? बहुत सारे रीजन है। और पहले क्या होता था ना, ज्यादा टैप कर देते थे पैडल को पहाड़ों में तो टॉर्क स्टीयर होता था, थोड़ी सी घबराहट हो जाती थी अगर आपका ध्यान ना हो तो। इस रोड में बड़ा मजा आता है गाड़ी चलाने में लिटरली। आज हमारे पास एक ऐसी गाड़ी है जिसे आपने पहली बार जब रोड में चलते हुए देखा होगा तो मुंह से निकला होगा आपके वाव, मेरे भी निकला था, ये गाड़ी है ही इतनी धांसू। ये है ऑल न्यू सफारी डार्क 2024। इसकी जो किलर रोड प्रेजेंस है ना, हर किसी का दिल जीत लेती है। हम इस गाड़ी में सिर्फ इस डार्क वेरिएंट की ही बात नहीं करेंगे, हम इसे लेकर लॉन्ग ट्रिप में जा रहे हैं और साथ के साथ हम इसे हिल्स में भी चलाएंगे और हाईवे पे इसका टैंक टू टैंक माइलेज टेस्ट भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस गाड़ी के पॉजिटिव्स तो आपको पता चलेंगे और साथ के साथ नेगेटिव्स भी आपको पता चल जाएंगे। और इसको पहाड़े में ले जाने का सबसे बड़ा रीजन मेरा ये है कि इसमें EPS आ चुका है, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग आ चुका है, और साथ के साथ इसमें आपको 19 इंच के व्हील मिलते हैं। कंफर्ट कैसा मिलेगा और पहाड़ों में इस इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग का एक्सपीरियंस कैसा होता है वो जानने की कोशिश कर रहा हूं मैं, और साथ ही साथ आपको भी बताऊंगा। अब इस डार्क एडिशन के एस्थेटिक्स की बात करते हैं, कंप्लीटली डार्क कर दी है। आप फ्रंट ग्रिल देख लीजिए, यहाँ पर ऑल ब्लैक हो चुकी है, जो कि आपको नॉर्मल सफारी में थोड़ी सी डिफरेंट मिलती है। एक अलग सा आपको फिनिश मिलता है क्रोम का, क्रोम है इसमें लेकिन बहुत कम, यहाँ पर आपको हल्का सा क्रोम की एक पट्टी दिखाई देगी। साइड में आपको सफारी जो है क्रोम का लिखा हुआ दिखाई देगा और यहाँ पर जो हैशटैग डार्क की बैजिंग है वो क्रोम में मिलेगी। पीछे जो है सफारी क्रोम में है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है बाहर, ऑल ब्लैक है गाड़ी। अलॉय व्हील जो है वो भी टोटली ब्लैक कर दिए गए हैं, जो नॉर्मल सफारी आती है ना उससे ज्यादा बढ़िया मुझे ये लग रहे हैं। ओके, जब गाड़ी डार्क है तो इंटीरियर का कलर अलग कैसे हो सकता है? कंप्लीटली ब्लैक कर दिए अंदर से, थोड़े बहुत ब्लू कलर आपको दिखाई देगा। वो कहाँ पर दिखाई देगा? स्टिचिंग पे, चाहे वो डैशबोर्ड की क्यों ना हो, और साथ के साथ जो सीटों पे स्टिचिंग है वो भी ब्लू कलर की है, उसके अलावा पूरी डार्क है। थोड़ा बहुत क्रोम का भी इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि यहाँ पर डैशबोर्ड में, यहाँ पर सेंटर कंसोल पे, और ये जो आपकी नॉब दिख रही है ज्वेल टाइप, इस पे। गाड़ी में फीचर्स उतने ही है जितना आपको नॉर्मल सफारी में मिलते हैं, लेकिन बस थीम अलग है। सिर्फ 30,000 से 35,000 रुपये आपको ज़्यादा देने हैं इस डार्क एडिशन के लिए, और डार्क एडिशन आपका शुरुआत हो जाती है प्योर एस वेरिएंट से, जिसकी कीमत 20,70,000 रुपये एक्स शोरूम में। अब इस गाड़ी की टैंक टू टैंक हाईवे माइलेज के ऊपर बात कर लेते हैं। हमने इसको ब्रिम तक इसका डीजल भरवाया, उसके बाद हमने 200 किलोमीटर के आसपास इसको नेशनल हाईवे पर चलाया। हम इस गाड़ी पर 4 लोग थे और हमारा AC चल रहा था, और 80% ये गाड़ी जो है इको मोड में चली है। और लगभग 200 किलोमीटर चलाने के बाद हमने इसका जो टैंक है दोबारा से ब्रिम तक भरवाया। ओके, माइलेज अब चेक कर लेते हैं। हमारी गाड़ी 199.5 किलोमीटर चली हुई है और हमने सारी नेशनल हाईवे पे चलाई है वो गाड़ी, और 199.5 किलोमीटर में हमारा 14.48 लीटर का डीजल लगा है, तो हमारा एवरेज निकल गया है 13.77। हमारी जो स्पीड थी 100 के आसपास थी मैक्सिमम। देखिए, हमें तो सफारी ने इतना एवरेज दिया, आपको आपकी सफारी नई वाली फेसलिफ्ट कितना एवरेज दे रही है हमें कमेंट में जरूर बताना। और आप भी अपनी गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दी गई ईमेल आईडी पे हमें संपर्क कर सकते हैं। आपके फीडबैक से काफ़ी हेल्प मिलती है जो नई गाड़ी लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि ये गाड़ी हाईवे पे आपको कैसा फील कराने वाली है। देखो, गाड़ी के अंदर अच्छी खासी पावर है, डिसेंट पावर मैं कहूँगा, उतनी भी ज़्यादा नहीं है, 170 PS और 350 Nm का टॉर्क, जो कि इस साइज की गाड़ी के लिए सफिशेंट है। अगर आपको इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए तो सेगमेंट में बाकी गाड़ियाँ भी है। मैं पैडल दबाऊँगा तो ये तुरंत रिस्पॉन्स करता है, और जो है सिटी में ये गाड़ी चल रही है, स्पोर्ट्स मोड में और अच्छा परफॉर्म करेगी ये। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि थोड़ा सा टाइमिंग जरूर लेता है, टाइमिंग इन द सेंस पैडल दबाने के बाद जो रिस्पॉन्स करेगा ना उसमें आपको थोड़ा सा डिले जरूर फील होगा। स्टेयरिंग में काफ़ी अच्छा काम कर रखा है, स्टेयरिंग
जो है स्पोर्ट्स मोड में काफ़ी जो है एक्यूरेट हो जाता है, काफ़ी टाइट हो जाता है, वेट इसमें आ जाता है। थोड़ा बहुत और शार्प होना चाहिए था इसको, लेकिन फिर भी ठीक है, कंफर्ट ओरिएंटेड ये स्टीयरिंग है। पहले आपको पता था कि सिटी में चलाने में कितनी तकलीफ होती थी, लेकिन अब वो चीज़ इसमें नहीं है। स्पोर्ट्स मोड में ये गाड़ी जो है बहुत अच्छा पुल करती है, स्टेबिलिटी अच्छी है गाड़ी की, मतलब हाईवे पे आप इंजॉय करेंगे और साथ के साथ जो पीछे बैठे हैं उनको भी काफ़ी आराम लगेगा इस गाड़ी में। मैं जो है काफ़ी लंबा इसमें बैठा पीछे, उसका एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करता हूँ। इतना पैसा आप दे रहे हैं इस गाड़ी में तो आप ये एक्सपेक्ट करेंगे ना कि पीछे बैठे जो भी उसको मज़ा आए, मज़ा आने वाला है। मैं आपको अगर बताऊँ, कोई भी फैमिली का मेम्बर आपका पीछे बैठेगा वो इंजॉय करेगा। क्यों करेगा? बहुत सारे रीज़न है उसके। ये गाड़ी 6 सीटर है, इसमें जो पीछे की रो है उसमें कैप्टन सीट है। अंडर थाई सपोर्ट आप देख लीजिए, मेरी हाइट आपको पता ही है, और साथ के साथ हेडरूम भी देख लीजिए जो मुझे काफ़ी अच्छा मिल रहा है। इस कैप्टन सीट में कोई हाइट एडजस्टमेंट वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा ऊँचा बैठा हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है आगे वाली सीट से जिसमें ड्राइवर बैठा हुआ है। मुझे बाहर गाड़ी का बोनट दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब ये है कि कमांडिंग सिटिंग पोजीशन है, व्यू काफ़ी अच्छा आता है इस सेकंड रो में बैठने के बाद। एक और चीज़, इस सीट को आप स्लाइड भी कर सकते हैं, ठीक है, स्लाइड करके आप पीछे बैठे व्यक्ति के लिए अच्छा लेग रूम भी बना सकते हैं। अगर मैं इसको पूरी पीछे कर देता हूँ, इतना लेग रूम यहाँ पर मुझे मिल रहा है अच्छा खासा। और आपके सोने का मन करे तो इस सीट को आप रिक्लाइन भी कर सकते हैं, देख लीजिए रिक्लाइन एंगल ज़बरदस्त वाला। और यहाँ पर देखिए कंफर्ट के लिए आपको हेडरेस्ट ज़बरदस्त वाले मिलते हैं, आपको मैनुअल सन ब्लाइंड भी मिलता है। आप देख लीजिए धूप आ रही है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मौसम अच्छा है, पूरे मज़े लेने हैं मौसम के, कोई दिक्कत नहीं है। पैनारोमिक सनरूफ है, खोल दो, काफ़ी अच्छा फील आता है सनरूफ खोलने के बाद। और वेंटिलेशन भी है सीट में। 7 सीटर सेगमेंट आप कोई भी उठाकर देख लो, इतना कंफर्ट किसी भी गाड़ी में नहीं मिलेगा, चाहे उसकी कीमत 50 लाख क्यों ना हो। थर्ड रो में भी एसी है और साथ के साथ थर्ड रो का जो स्पेस है वो भी ठीक ठाक है, बाकी गाड़ियों से तो अच्छा है। और साथ में वहाँ पर चार्जिंग के भी ऑप्शन भी मिल जाते हैं, कप होल्डर भी मिल जाते हैं। सेकंड रो में 2-3 चीज़ों की मेरे को कमी लगी। पहली बात, ये आपको आर्मरेस्ट मिलता तो है लेकिन काफ़ी पतला है, उतना ज़्यादा कंफर्ट मुझे तो स्पेशली इसमें नहीं मिल पा रहा है। और यहाँ पर कोई कप होल्डर वगैरह नहीं है, होता तो अच्छा होता, यहाँ पर हम अपने ड्रिंक्स वगैरह जो खाना पीना है वो रख सकते थे, वो वाले ड्रिंक्स नहीं। और एक चीज़ अच्छी दी है, यहाँ पर आप अपना फ़ोन आसानी से रख सकते हैं, फ़ोन के साथ साथ आप बॉटल वगैरह सब कुछ रख सकते हैं। इधर आप देखेंगे सीट के पीछे भी आपको थोड़ा बहुत सामान रखने की जगह मिल जाती है, जैसे हमने यहाँ पर अपनी बोतल रखी हुई है, यहाँ पर कुछ नहीं रखा हुआ है। इधर भी आप अपना फ़ोन रख सकते हैं और एक सी पोर्ट मिलता है आपको, एक आपको USB-A पोर्ट मिल जाता है। मैं पिछले 3 घंटे से इस गाड़ी की सेकेंड रो में बैठ के कैंडी क्रश खेल रहा हूँ। काफ़ी कम्फर्टेबल सीट है, बॉडी रोल नहीं है इस गाड़ी में, सस्पेंशन काफ़ी अच्छे हैं, राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो ये सारी चीज़ें फील हो रही है। एक्चुअल में आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर यहाँ पर बैठेगा तो लिटरली इंजॉय करेगा। इंजन की जो नॉइज़ है थोड़ा सा अंदर आती है केबिन के अंदर, अगर आप स्पेशली स्पोर्ट्स मोड में चला रहे हैं और स्पिरिटेड ड्राइविंग कर रहे हैं, सडन एक्सलेशन कर रहे हैं तो आवाज़ आएगी अंदर, दहाड़ता है ये इंजन। अगर आप 100-120 में इस गाड़ी को चलाते हैं तो कॉन्फिडेंस की कोई भी कमी नहीं होती है, 130-140 तक भी आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आएगा इसमें, पता ही नहीं चलता है कि इतनी तेज चल रही है गाड़ी। एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, आप मैनुअल मत लेना, ना ही सफारी का ना ही हैरियर का। इस इंजन में टर्बो लैग है, ये ऑटोमेटिक जो है टर्बो लैग को काफ़ी अच्छे तरीके से टैकल करता है। थोड़ा बहुत फील होता है लेकिन इतना नहीं कि आपको परेशानी हो। मैनुअल में आप गाड़ी जो है बंद कर दोगे, आपको स्पेशल आदत बनानी पड़ेगी। एक्सपेंशन जॉइंट्स वगैरह जो भी गड्ढे वड्ढे आते हैं तेज स्पीड में अच्छे से टैकल करती है। इसका 19 इंच का व्हील है उसके बावजूद भी। स्पोर्ट्स मोड में ना 6th गियर में बड़ी लेट आ रहा है, मतलब कि पावर जोन में रख रहा है। तो स्पोर्ट्स मोड में इसका एक्सेलरेशन चेक करते हैं, यहाँ पर मैं गाड़ी रोकता हूँ। दहाड़ सुनो, काश उस हिसाब से स्पीड भी गेन कर रही होती है, लेकिन इतना सफिशिएंट है एक्सेलरेशन पावर, वो तगड़ा पुशबैक नहीं मिलता, उसकी कमी थोड़ी सी फील होती है। अब बात यह है कि भारी भरकम गाड़ी है, बहुत प्यारा स्पोर्ट्स मोड में ओनली, लेकिन हाँ
ठीक है यार, तो अपने फेवरेट इलाके में ले आया मैं, जहाँ पर गाड़ी का अच्छा खासा टेस्ट हो जाता है, चाहे वो पावर का हो, चाहे वो सस्पेंशन का हो, चाहे वो हैंडलिंग का हो। तो अब सफारी को हम यहाँ पर चलाने वाले हैं। अभी फिलहाल इको मोड में है ये गाड़ी। नैरो सड़क है, घुमावदार सड़क है और एक्सट्रीम चढ़ाई है यहाँ पर। मैं तो अभी पहाड़ों में घूम रहा हूँ, लेकिन अगर आपको पहाड़ों वाला फील अपनी गाड़ी के अंदर चाहिए, पहाड़ों में कैसा फील होता है, फ्रेश एयर होती है और आपको चारों तरफ से नेचर वाली जो है फील आती है, फ्रेग्रेंस आती है, वो फील आपकी गाड़ी के अंदर भी आ सकती है अगर आप इस्तेमाल करेंगे इन्वॉल्व रेन फॉरेस्ट गोल्ड लीफ को। आपको करना क्या है, इसके कार्ड में दो बार आपने स्प्रे करना है, आपकी गाड़ी इंस्टेंट फ्रेश हो जाएगी और आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी गार्डन में बैठे हुए हैं। बार बार खरीदने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार खरीद लो 2 से 3 महीने आसानी से चल जाता है, काफी कंसंट्रेटेड है। जब आपको जरूरत हो तब आपने इस्तेमाल करना है, ऐसा नहीं है कि गाड़ी में रखा है और उसकी जो फ्रेग्रेंस है उड़ रही है। जब आपको चाहिए तब आपने स्प्रे करना है। बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस आती है इनकी, आप खरीद सकते हैं involveyoursense.com से, और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहां से खरीद सकते हैं। अगर वहां से खरीदेंगे तो फायदे में रहेंगे, क्योंकि इनकी डुप्लीकेसी बहुत ज्यादा हो चुकी है मार्केट में। अब देखो यार, पहले के कंपैरिजन में स्टेयरिंग में तो काफी अंतर आ गया है और काफी आसानी से चला सकते हो आप ऐसे रास्तों पे गाड़ी, क्योंकि देखो घुमावदार सड़कें हैं। हाइड्रोलिक स्टेयरिंग जो था उसमें क्या सीन होता था, आप लंबा ड्राइव करते थे उसके बाद कहीं ना कहीं आपके हाथों में दर्द या फिर परेशानी होती है, स्पेशली पहाड़ों में हाइड्रोलिक स्टीयरिंग के साथ। इसमें अब ऐसा नहीं है, वो टेंशन बिल्कुल ख़त्म कर दी है इसमें। इको मोड में भी चढ़ाई पे अच्छी पावर है, चढ़ रही है और हमेशा जो है पैडल पे खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, हल्के से इनपुट से ही काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है। अभी तो और चढ़ाई आएगी, खैर रोड भी ख़राब आएगी। बहुत आसान हो गया पहले के कंपैरिजन में, प्लस पावर भी अच्छी है नो डाउट। देखो अभी गाड़ी जो है उस स्पीड में नहीं चल रही है, 40-50 मैक्सिमम, तो उसमें जो स्टीयरिंग है ना लाइट ही रहता है, और यहाँ पर इतने बार हमें घुमाना है तो उसके लिए तो काफ़ी कंफर्टेबल है भाई, इतने बार घुमाना पड़ रहा है इसको। अब मैं इको मोड से सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, तो यहाँ पर जो है डिफरेंस देखने को मिल रहा है हमें। गियर शिफ्टिंग काफ़ी स्मूथ है, चढ़ाई पे कोई जर्क आपको फील नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा कि कब गियर चेंज हो गया। वो तो इसकी इंजन की आवाज़ थोड़ा सा ज़्यादा आती है तब हमें पता चल जाता है। बढ़िया पावर यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाला जो पैच था ना, ये तगड़ी चढ़ाई वाला था, इंटेलिजेंट है गियर बॉक्स, उसको पावर जोन में कब रखना है गाड़ी को, गाड़ी चढ़ाई चढ़ रही है तो ये समझता है। ये पैच आपको याद होगा, ये गिरता रहता है यहाँ पर ऊपर के पहाड़। सस्पेंशन 19 इंच के व्हील, लो प्रोफाइल टायर, लेकिन राइड क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जो 17 या 18 इंच वाले व्हील हैं उससे थोड़ा सा तो अंतर आपको फील होगा, लेकिन हाईवे पे रिफ्लेक्ट होती है। जैसे मैं हाईवे पे स्पीड में चला रहा था इस गाड़ी को, तो पता चल रहा था कि अंतर है कुछ ना कुछ, वरना वाले को थोड़ा सा धीरे चलना पड़ रहा है आगे, नहीं तो मैं इस पैच से काफ़ी अच्छी स्पीड में निकल सकता था। सेडान है तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, नीचे से लगने के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा रहते हैं, इसमें सच कोई इशू नहीं है। देखिए अच्छी राइड क्वालिटी के लिए तो टाटा मोटर्स के सस्पेंशन जाने ही जाते हैं, बट 19 इंच में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि शार्प गड्ढे आपको थोड़ा सा बचाने पड़ेंगे तेज स्पीड में, नहीं तो टायर फट सकता है। और पहले क्या होता था ना, ज़्यादा टैप कर देते थे पैडल को पहाड़ों में तो टॉर्क स्टीयर होता था, थोड़ी सी घबराहट हो जाती थी अगर आपका ध्यान ना हो तो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इस रोड में बड़ा मजा आता है गाड़ी चलाने में लिटरली। एक बार मैं स्पोर्ट्स मोड में डालता हूँ और पावर जो है 100% मिल रही है, मजा आ रहा है। मजेदार ये जो है ना हमेशा छोटे गियर में चल रही है स्पोर्ट्स मोड में, मतलब अप शिफ्ट बहुत कम कर रही है। इसको मैं दोबारा से वो कर लेता हूँ। बॉडी रोल कंट्रोल्ड है पूरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है गाड़ी की।
टायरों की चौड़ाई भी काफी अच्छी है, 245 mm की, जिसकी वजह से प्रॉपर ग्रिप भी मिल रही है। EPS आने के बाद पूरा फील चेंज हो गया है गाड़ी का। थोड़ी सी विजिबिलिटी में दिक्कत हो रही है, ये जो ए पिलर है कुछ ज्यादा ही मोटे हैं। बहुत सही यार, मजा आ गया सच में। एक ऑल व्हील ड्राइव की कमी है बस इसमें, उसके अलावा तो मजेदार है चलाने में। जब मैं पिछली बार इसको पहाड़ों की तरफ लेकर गया था, तब एक गाड़ी में कमी खलती थी यार 360 डिग्री कैमरे की, क्योंकि जहां पर नैरो रोड होती है ना, वहां पर अगर आपने गाड़ी घुमानी होती है तो दिक्कत हो जाती है। अब देखते हैं यहां पर कितना यूजफुल है ये फीचर। देखिए आप कितनी एक्यूरेसी के साथ काम कर रहा है कैमरा। इस नैरो रोड में मैं घुमा सकता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ। ऑटोमेटिक के साथ आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है पहाड़ों में, लेकिन आपको थोड़ा सा ज़्यादा फन करने का मन कर रहा है तो आपने करना क्या है, पैडल शिफ्टर को दबाना है, गाड़ी आपकी स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड मैनुअल मोड में आ जाएगी और अपने आप स्पोर्ट ड्राइव मोड में आ जाएगी। तो उसके बाद आपने पैडल दबाना है और अपने हिसाब से गियर चेंज करने और फन करना है, तो ये भी आप कर सकते हैं। गियर लीवर के थ्रू आप जो है गियर सिलेक्शन नहीं कर सकते, आपको पैडल शिफ्टर का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ नेगेटिव्स की जो मैंने फील करे थे। इस गाड़ी में कुछ ऐसी बातें हैं, आपको फील होगा कि इतने ज्यादा पैसा देने के बाद भी मजा नहीं आया। पहली चीज, जो आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, साइज तो आपने काफी अच्छा दे दिया है, क्वालिटी भी काफी अच्छी है, जैसे कि 360 डिग्री कैमरा वगैरह सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फोन से बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है, बातचीत चल रही हो फोन पे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मैप लगाया हो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। लॉन्ग रूट की बात कर रहा हूँ मैं, एक दो बार हुआ है ये 200 किलोमीटर की जर्नी पे। उसके बाद जो पावर विंडो है उसमें सिर्फ ड्राइवर साइड वाला वन टच डाउन है, और 31 लाख से ऊपर पैसे हम इसमें दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से फ्रंट के दो तो एटलीस्ट होने चाहिए थे। तीसरी चीज, जिसमें जो लेन असिस्ट वाला फीचर है अडास का, वो अभी आया नहीं है, चालू नहीं हुआ है। और उसके बाद लेन डिपार्चर वार्निंग तो आती है, लेकिन जब वो वार्निंग आती है आपका जो MID में आपने मेन्यू सेट कर रखा होता है वो हट जाता है। मान लो कि आपने देखना है कि कितने किलोमीटर चल गई है गाड़ी और कितना एवरेज दे रही है, यानी कि ट्रिप मीटर आपने लगा रखा है, तो लेन डिपार्चर वार्निंग आएगी, उसके बाद वो हट जाएगा, आपको दोबारा से सेलेक्ट करना पड़ेगा। इंडिकेटर देके आप लेन चेंज करेंगे तो मेन्यू आपका वही रहेगा, क्योंकि वार्निंग नहीं आएगी। गलती से भी वार्निंग आ गई तो परेशान हो गए। लॉन्ग रूट में हमें एक और चीज पता चली, जो ड्राइवर साइड वाला आर्मरेस्ट है ना, वो बहुत छोटा है, या फिर आप कह सकते हैं उसमें स्लाइड वाला होना चाहिए। मुझे भी दिक्कत होती है उसमें अपना आर्म रखने में, तो मेरे से कम हाइट वाले लोगों को ज्यादा दिक्कत होगी, वो काफी पीछे रह जाता है। गाड़ी के सेंटर कंसोल में टच पैनल दिया हुआ है, उसमें अभी भी फॉल्स टच होते हैं। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं इस गाड़ी के, जैसे कि आप डिजाइन देख सकते हैं कितना जबरदस्त लग रहा है। सफारी का ओवरऑल जो डिजाइन है, चाहे वो डार्क हो चाहे वो नॉर्मल सफारी क्यों ना हो, अच्छी लगती है। दूसरा, प्रैक्टिकलिटी, स्पेस और कंफर्ट बहुत ज़बरदस्त इस गाड़ी में मिलता है, और साथ के साथ इसमें बहुत सारे फीचर अब आने लगे हैं। कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो सेगमेंट में सिर्फ इसी गाड़ी में आते हैं, जैसे सेकंड रो पे वेंटिलेटेड सीट्स। सेफ्टी के बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सबको पता है कि अभी हाल फिलहाल में अपडेटेड ग्लोबल NCAP के नॉर्म्स के हिसाब से ये 5 स्टार लाई थी, BNCAP में भी ये 5 स्टार लेकर आई है। काफ़ी सेफ्टी फीचर्स अपडेट हुए हैं, बेस वेरिएंट से ही दबा के सेफ्टी फीचर्स इसमें आपको मिल जाते हैं, तो टेंशन लेने वाली तो कोई बात नहीं है। तो ओवरऑल इस बजट में एक अच्छी कंफर्टेबल फैमिली कार आपके लिए हो सकती है। इसके सारे पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने आपको बता दिए। थोड़ा सा टाटा ने ध्यान क्या देना है, ये जो निगल्स आ रहे हैं उन पे ध्यान देना है, ये आए ना कस्टमर के साथ, बाकी सब कुछ ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय।